वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथोजयदीर नष्टाषुभद्रेश नि भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती कृष्णाय कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुम गोविंदय नमो नमः हरे कृष्ण मैं अपने आप को बहुत ही कृतार्थ पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ गिरिराज जी के चरणों में और भागवत महाविद्यालय में तो मैं तो लगता नहीं कि मैं डिजर्व करता हूँ लेकिन ये सब कृपा है संकर सिणदायी प्रभु बस सुंदर प्रभु केशव प्रभु आप सबकी और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा संकट सिंहदाई प्रभु बस सुंदर प्रभु का इतना सुंदर उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ये भागवत महाविद्यालय को लाए और सब भक्तों को बहुत ही सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम भागवत को तत् संदर्व, सभी संदर्भों को बहुत गहराई से अध्ययन कर सकें और अच्छी प्रकार से शिला प्रपा जी के इस मिशन में सेवा कर सके इट्स ए वेरी 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 वंडरफुल इनिशिएटिव और जिस प्रकार से आप लोग अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं और सबको सहयोग दे रहे हैं और इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं इट वॉज़ वेरी हार्ड टचिंग और विशेषकर आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी सबके आप पूरे खुले हृदय से स्वागत करते हैं तो ये बहुत हृदय को छुआ इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे अवसर ये प्रदान हो रहा है कि मैं श्रीमद् भागवतम से कुछ भागवतम की कुछ सेवा करूं तो मुझे थोड़ा अटपटा भी लग रहा है कि मेरे सामने बहुत सभी बड़े बड़े स्कॉलर्स भी बैठे हैं विद्वान भी और बड़े उन्नत भक्त भी तो कुछ करने का प्रयास करूंगा तो कोई त्रुटि होता सुख क्षमा करना और अपने शुद्धिकरण के लिए और गिरराज जी की प्रसन्नता के लिए और आप सबके दिव्य आनंद के लिए तो मैंने चुना है इन्होंने बोला वृंदावन की कोई भी लीला लेने तो भागवतम के दशम स्कंध का सोलवा अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग को दंडित करना तो पहला श्लोक स्क्रीन पे है आप देख सकते हैं उवाच विलोक्याम दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा ही ना विभू तस्या विशुद्धि मन्विच्छन् सर्पम तमुदा वासयत् शब्दार्थ वाला अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य के द्वारा श्रील की जय शिशु का उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा विलोक्य देखकर दूषिताम प्रदूषित कृष्ण यमुना नदी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण क्रिश्न अहिना काले सर्प कालिया द्वारा विभु सर्वशक्तिमान तस् नदी की विशुद्धि शुद्धि की अन्वन इच्छा करते हुए सर्पम सर्प को तम ओस भगा दिया श्री अशोकदेव गोस्वामी ने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया ॐ अज्ञानतमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण जगत्पते गोपेश करुणासिन्धुदीनबन्धुजगत्पते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाध श्रीवासादिगौरुभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे हरे कृष्ण विलोके दूषिताम कृष्णाम कृष्ण क्रिश्ना कृष्णा हमना प्रभु विभु तस्या विशुति मन विच्छन सर्पम तमोदुभास तो इससे पिछले अध्याय में जब धैनु का सुर का वध हुआ था तो देखा कि सभी बाल और गाय यमुना के तट में जाते हैं और क्योंकि मध्यान्ह का समय काफी उनको गर्मी लग रही है तो ही गायें और बाल यमुना के पानी को पीते हैं तुरंत सब अपना शरीर त्याग देते हैं तो ये देखकर भगवान बहुत चिंतित होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो पुनः सब जीवित हो जाते हैं और फिर भगवान देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ के दोषिताम कृष्णा 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 है विभु भगवान ने देखा कि जो यमुना है ये एक कालिया सर्प के द्वारा दूषित हो गई है और उन्होंने इच्छा की कि इसको शुद्ध किया जाए तो सर्प को उन्होंने वहां से भगा दिया तो इस श्लोक में बहुत सुंदर तीन बारी कृष्णा शब्द आया है और तीनों को कृष्णा शब्द का अलग अलग मतलब है है ना विलोक्य दूषित आम कृष्णाम पहला कृष्णाम यमुना नदी के लिए कि यमुना जी को भी कृष्णाम कहा गया है क्योंकि वो काले रंग की हैं और कृष्ण को बहुत प्रिय हैं कृष्ण के मुख्य आठ पटरानियों में कालिंदी भी यमुना जी भी हैं और सिक्वेंस में चौथी हैं वो पहले रुकमणि फिर जामवंती फिर सत्य और फिर कालिंदी तो कृष्ण को बहुत प्रिय है और साथ में वो कृष्ण वन की हैं इसलिए कृष्णा और दूसरा शब्द आया कृष्णा स्वयं कृष्ण के लिए तो कृष्णा कृष्ण क्रिश यानी कि जो सभी दुखों को हर ले छुटकारा दिलाए तो यमुना में कालिया था तीसरा शब्द आया कृष्ण है ना कालिया सर्प के लिए कृष्णा वो काला था क्यों गाला था उसके अंदर बहुत जहर और क्रूरता द्वेष भरा हुआ उसके कारण है ना उसके अंदर वो काला रंग था उसके अंदर इंटेंस पॉइजन काफी जहर और क्रूरता से भरा हुआ इसलिए कृष्णा हीना तो तीन बार कृष्णा शब्द एक यमुना जी के लिए एक भगवान श्री कृष्ण के लिए और कालिया स्वर्ग के लिए तो यमुना को शुद्ध करना है आजकल भी यमुना को शुद्ध करने की ड्राइव चल रही है सरकार के द्वारा लेकिन उस समय ड्राइव यह थी कि कालिया था उस पर तो भगवान ने अन्वेच्छ इच्छा की इसको भगाना पड़ेगा तभी यमुना शुद्ध होगी तो एक ही श्लोक में पूरी कथा सुना दी सुखदेव गोस्वामी ने और आगे बढ़ रहे थे लेकिन परीक्षित महाराज ने आगे रोक लिया बोले कैसे हे विद्वान मुनि कृपा करके ये बताया किस तरह पून पुरुषोत्तम भगवान ने यमुना के अगा जल में कालिया नाग को प्रताड़ित किया वह कालिया किस तरह अनेक युगों से वहां रह रहा था ये कैसे हो गया थोड़े थोड़े रुकीये है ना तो श्रोनाथन गोस्वामी बात बता रहे हैं इसकी टीका में कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताना नहीं चाहते थे बहुत दुख भरी कहानी है कि भगवान कालिया उनको पकड़ के रखेगा दो घंटे तक बहान भगवान अचेत अवस्था में रहेंगे ब्रजवासियों पर इतने संकट आ जाएंगे तो वो उनको बताना नहीं चाह रहे थे कि आगे बढ़ेंगे सुन के परीक्षित को भी बहुत दुख होगा लेकिन ऐसे परीक्षित ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है वेदों में ऐसे कई से बातें आती हैं जिसमें हमारे दुखों का वर्णन है तो सबका वर्णन करना चाहिए आप बताइए और दूसरा हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज कितने आतुर हैं सुनने के लिए श्रवण के लिए ये दशवाश कंध चल रहा है निश्चित रूप से पांच छठा दिन होगा या पांचवा दिन होगा भूखे प्यासे बैठे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बताइए कैसे हुआ इतने युगों से कालिया इस यमुना में रह रहा था कैसे बाहर चला गया इस संसार में हम देखते हैं कोई पुराना किरायेदार उसको हटाना भी हो तो बड़े कोर्ट केसेस करने पड़ते हैं नोटिस देना पड़ता है भारत उत्तरी भारत तो में बोलते पगड़ी देनी पड़ती है उसको <laughs> बहुत धन देना पड़ता है तब उसको हिला सकते हैं सेटल था पूरा कालिया कैसे एक तो रह कैसे रहा था इतना जब विशेला सर्प है इसने यमुना को दूषित किया हुआ है और फिर रह भी रहा था तो कैसे भगवान ने प्रताड़ित करके भगवा दिया तो बताइए इसको और बताइए कि आप घबराइए मत हालांकि ये दुखदाई कथा हो सकती है थोड़ा हमें आ, स्ट्रेस हो लेकिन क्या है ये गोपाल उधर चरितम ये भगवान के हैं, गोपाल उनका नाम है जो भक्तों के इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं और उनका उदार चरित्र है बहुत उदार आनंद देने वाला है तो इसको सुनकर मैं तृप्त नहीं होगा, आप सुनाते रहिए तो उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने कहना शुरू किया कि जो कालिया है यमुना नदी के अंदर एक सरोवर था वहां पे रहता था और इसके अंदर इतना जहर था इतनी जहर इतनी उसमें अंदर क्रूरता थी कि यमुना का पानी उबलता था और उसमें से जो भाप निकलती थी चारों तरफ एक फॉग सा बन जाता था और उसके ती भाप निकलती थी कि ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी मर जाता था और इतना जहर था कि देवताओं की भी हिम्मत नहीं होती थी इस रित को क्रॉस कर सके और इसके पास जो हवा निकलती थी वो इसके जहर के कणों को बाहर ले जाती थी तो आसपास कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु नहीं होते थे तो कालिया का पूरा अपना महल बना के रखा हुआ था और ये जो कालिया का रित था सरोवर था यमुना जी का एक कोने में था दक्षिण दिशा में लगभग एक योजन का आठ मील का उसकी चौड़ाई थी ये मुख्य यमुना जी में नहीं था अगर ऐसा होता तो आचार्य उन्हें बताते हैं तो मथुरा का पानी भी पूरा जहरीला हो जाता तो केवल एक कोने में रहा था तो ऐसा उसका वो था और कालिया जो था ये कोई साधारण नाग नहीं था ये महातल से आया था और इसके हजार फन थे महातल में बड़े बड़े ऐसे सर्प थे जिनके सौ फन हजार फन हो और उन फनों के ऊपर बड़े बड़े वो थे मणिया थी और उन मणियों के प्रकाश से नीचे का महातल प्रकाशित रहता था ये वहाँ से आया था और बहुत जहरीला और यहाँ पर जब आया तो उसने अपना घर बना रखा था और जो कालिया है उसके पास योगी था ये जल स्तंभ सिद्धि थी पूरा अपना अंदर महल बना रखा है जल के अंदर आज के जो आते हैं आर्किटेक्ट वगैरह बड़े पायलॉन वगैरह करना पड़ता है बहुत ज्यादा समय कंस्ट्रक्शन आसान नहीं है इतना कालिया ने आराम से बना रखा था और उसको कोई अप्रोच भी नहीं कर सकता था उसके चारों तरफ ऐसा उसने सिक्योरिटी लगा रखी थी कि छोटे छोटे छेद थे हर एक छेद में जहरीले सांप और अपनी जहर उगलते रहते थे किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ पे आ जाए पूरा उसका तानाशाही चल रही थी उसका वो राजा था कोई आ नहीं सकता था वहाँ पे और तो क्या हुआ भगवान ने देखा कि इस कालिया रख ने किस तरह से अपने प्रबल विश्व यमुना नदी को प्रदर्शित कर रखा है तो भगवान ने सोचा अब इसका उद्धार करना चाहिए ब्रज यमुना जी को भी शुद्ध करना है और ब्रजवासी लोग सारे गाय इत्यादि यमुना का जल ग्रहण कर सके ब्रजवासियों पे भी कृपा करनी है और सबसे बड़ी बात है कालिया की भी कृपा करनी है और अंतरंग कारण आगे जाके हम देखेंगे कि भगवान ने लीला रची इसके अंतरंग कारण ये थे कि भगवान हम सबको दिखाएंगे कि ब्रजवासियों की प्रेम की कितनी प्रगाढ़ता है ब्रजवासी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं और अंतरंग हम बताते हैं कि भगवान जब कालिया पे नृत्य करेंगे तो गोपियों को बताएंगे देखिए मैं कितना सुंदर नर्तक हूँ तो आपसे आगे जाके मैं भविष्य में नृत्य भी करूँगा आपके साथ तो ये भगवान के कुछ कारण थे और भक्ति ठाकुर बताते हैं कि जो कालिया दमन की लीला है ये हम सब साधकों लिए के, साधकों के लिए बहुत ही शिक्षापूर्ण है कालिया क्रूरता और द्वेष का प्रतीक है और द्वेष और क्रूरता हमारे भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है तो इस लीला के श्रवण इस लीला के मनन मात्र से अपने हृदय को हम शुद्ध कर सकते हैं तो जब भगवान ने सोचा कि अब कालिया को इस हृत से भगाना है तो पास में एक कदम का वृक्ष था भगवान उस पर चढ़ गए केवल काली यमुना के आसपास केवल एक कदम का वृक्ष ही जीवित अवस्था में था बताते हैं क्योंकि इसलिए ये भगवान का वृक्ष था कृष्ण का वृक्ष था और बहुत योग पहले जब गरुड़ जी आए थे इंद्र से अमृत चुरा के तो यहाँ कुछ अमृत छोड़ा था ताकि आगे कृष्ण लीला करेंगे और यहाँ से वो कूदेंगे तो भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़ गए बहुत सुंदर लग रहे थे बहुत ऊंचा वृक्ष भगवान उसके ऊपर चढ़ गए और कूदने से पहले अपने सारे ग्वाल वालों को बताया चिंता मत करो मैं अभी आ रहा हूँ और भगवान एक पहलवान की तरह पहले अपने दोनों बाजुओं को यूँ किया और अपने बाल बांधे कमर कसी और कूदे बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास जैसे आजकल आप देखते हैं ओलंपिक्स वगैरह में <laughs> एक लॉन्चिंग पैड होता है उस पर पहले व्यक्ति वो थोड़ा सा समर सॉल्ट करते हैं और फिर कूदता है भगवान ने सीधा सबको बोला मैं अभी आ रहा हूँ सीधा नीचे एकदम और जब नीचे गिरे तो इतनी जोर से आवाज आई इतना जोर से ऐसे लग था बहुत बड़ा कोई विस्फोट हो गया हो और ऊंची लहरें उठी जहरीली लहरें लाल रंग की और बताते हैं कि सो धनुर्धर यानी कि 400-500 फीट पानी चारों दिशाओं में फैल गया जब इतनी बड़ी आवाज हुई तो कालिया तो अपने महल में बैठा था क्या हो गया किसकी हिम्मत इतने युगों से कोई चिड़िया भी ऊपर से पर नहीं मार सकती थी ये इतना बड़ा धमाका कहाँ से हो गया है? कैसे हो सकता है प्रेस पासर कौन आ गया ये किसने विद्रोह किया तो और भगवान क्या कर रहे हैं इतनी जोर से आवाज हुई और भगवान बड़े आनंद में तैर रहे हैं ना और तैर भी ऐसे ना जोर जोर से आवाज निकाल रहे हैं यहाँ पे आया जैसे एक मदमस्त हाथी की तरह छोटे से बालक है कृष्ण एक मदमस्त हाथी की तरह जोर जोर से आवाज कर रहे हैं और विश्वनाथ चौक ठाकुर जी बता रहे हैं वो आवाज कोई ऐसा नहीं है शोर शराब है बहुत ही संगीतमय आवाज है जैसे हम सोच रहे थे हम हाँ भी जाते हैं ट्रेन वगैरह में रात को तो जब सोरे होते हैं तो ट्रेन की आवाज़ बड़ी रिदमिक है हालांकि शोर है लेकिन उसमें भी रिदम है तो भगवान भी जान के शोर मचा रहे हैं कालिया को और गुस्सा बढ़ाने के लिए और थार थूम कर रहे हैं और पागल हाथी की तरफ हम देखते हैं कि भागवत में कई बारी पागल हाथी का वर्णन आता है ना। पागल पागल हाथी की तरह जैसे नलकुबेर मणिगिर काम प्रसंग पड़ रहे थे अभी हमारे पंजाबी भाग में उसमें भी ये था कि मद्दाकनी नदी में वो पागल हाथी की तरह नग्न होकर स्नान कर रहे हैं है ना हम लोग वैष्णव भी बोलते हैं पागल हाथी अपराध है तो क्यों बोलते हैं ऐसा पागल हाथी में ऐसा क्या है <laughs> क्या शिक्षा मिलती है हमें पागल हाथी से अभी भगवान भी बड़े आनंद से यमुना जी में तैर रहे हैं पागल हाथी को इतना क्यों विशेष दिया गया यानी कोई विचार किसी का कंट्रोल यार है मस है मस्त रहता वो इतना मस्त रहता है जैसे उसकी ये भावना होती है वो केयर्स है ना मुझे किसी की परवाह नहीं किसकी परवाह नहीं है ना जैसे आर्टिस्ट गजेंद्र भी आता है आता है रास्ते में बड़े बड़े पेड़ों को खाड़ के ऐसे तो सारे के सारे जानवर से डर के भाग रहे मुझे किसी की परवाह भगवान तो ऐसे तैर रहे हैं और गुस्सा दिलाने के लिए जब कालिया को ऐसी आवाज आई तो कालिया ने सोचा कौन आ सकता है तो कालिया बाहर आता है जब बाहर आता है तो जब वो नीचे से आ रहा है तो कृष्ण ऊपर है देखिए काले कितना सौभाग्यशाली था उसके भगवान के चरण कमलों के दर्शन होते थे और भगवान के चरण कमलों में जो सुंदर चिन्ह है सबको वो देख पाता है और फिर वो बाहर आता है और देखता है कि अब दिखाएंगे श्लोक संख्या नौ या थैंक यू तो आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं तम प्रेक्षणीया सुकुमार घनाद शिवत्वत्मस्म शीवत स्मित क्रीडंता कमलोदिरांग्रेम संद्य मर्मसूरश भुजया चाद so, प्रेक्षणीय प्रेक्षणीय देखने में आकर्षक प्रकष्ट रूपेण एक क्षणिया जो कि देखने योग्य हो, वो उनको देख कर सुकुमार अत्यंत सुकुमल और घना बादल की तरह अबादतम सफेद चमकते हुए श्रीवत् श्रीवत चिन्ह धारण किए हुए पीत वत्सनम पीले वस्त्र दिए हुए स्मित सुंदर आस्यम और कैसा मुक्ता मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा और देखिए कालिया को कैसा लगा होगा एक तो इतना धमाका कर दिया और जब बाहर आए तो छोटा सा बालक और सोच रहे पता नहीं कौन हो गया बहुत बड़ा हाथी आया क्या है कहाँ से आ गया आकाश से कहां से टपका कोई आते देखो छोटा सा कोमल सा बालक और एक बादल की तरह चमक रहे हैं सफेद बादल की तरह पीले वस्त्र धारण किए हुए और मुस्कुरा रहे उसका क्रोध और बढ़ गया क्रीडंतम प्रति और खेल रहे हैं अप्रतिभयम अन्यों के भय के बिना कमल उदर आंगरिम संद्य तो जब ये देखा कालिया ने तो कालिया हैरान तो हुआ भगवान की सुंदरता को देखकर लेकिन आकर्षित नहीं हुआ और उसने क्या किया मुर्मुसू रुषा भुजिया चछादा भगवान के वक्ष स्थल पर उसको डस लिया और अपनी भुजाओं में भुजिया चछादा अपने फनों में भगवान को लपेट लिया तो ये देखते हैं कि कोई कालिया का हृदय पूरा द्वेष से भरा हुआ था तो वो भगवान की सुंदरता से आकर्षित नहीं हुआ तो हमारे हृदय में जो द्वेष है जब तक द्वेष रहेगा तो भगवान के नाम भगवान के रूप गुण लीलाओं से आकर्षित नहीं होंगे और द्वेष ही भगवान की कृपा को रोकता है और द्वेष से ही हमारे हृदय में ज्ञान प्रवेश नहीं करता और तुम्हारे हृदय में परिवर्तन नहीं आता प्रभाजी के भविष्य शिष्य बता रहे थे कि जब वो पुस्तक वितरण में जाते थे तो अपना समय बचाने के लिए कि कौन व्यक्ति पुस्तक लेगा कि नहीं लेगा वो हर किसी को भगवान कृष्ण का सुंदर चित्र दिखाते थे ना अगर बहुत ही कोई द्वेषी व्यक्ति है वो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगा तो बोले ठीक है जाओ तो उससे पर टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं जब थोड़ा सा भी हैरान होता है वहाँ इतना सुंदर चित्र है उससे बात आगे बढ़ाई जा सकती है तो वास्तव में ये द्वेष है तभी भगवान ने अर्जुन को चुना कि आप गीता का संदेश ले सकते हैं अनुसूय वे क्योंकि आप द्वेष रहित हैं और ये जो कालिया है इसको पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी शब्द यूज करते हैं चक्षु श्रवा। चक्षु श्रवा है चक्षु यानी कि आंखें श्रवा जो सुने जो कि आंखों के द्वारा सुनता था सांप के कान नहीं होते तो आंखों के द्वारा वो सुना है यानी कि उसके अंदर कान नहीं तो उसके पास जिससे वो अच्छे आदेशों को सुन सके कालिया की जो पत्नियां थी और बहुत बड़ी भक्त थी तो वो आके कालिया को सुनाती भी थी आज हमने लेक्चर में ये सुना ये सुना अपने पाठ बताती थी वो लेकिन वो समझ नहीं आता था ना तब तक तो उसके हृदय में द्वेष भरा हुआ था तो इतना द्वेष होने के कारण भगवान इतने सुंदर थे और उसके भगवान के सुंदर उनके दर्शन भी हुए मुस्कुराते हुए लेकिन उनसे आकर्षित नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया उनके पक्ष से उनको डस लिया और अपनी भुजाओं में लपेट लिया तभी आप साफ को है ना जब सर्पासन करते हैं तो भुजंगासन बोलते हैं ना तो ऐसे खड़े भुजंगासन जो है तो कि उसके जो फन है उसमें लपेट लिए तो स्नातन गोस्वामी पाद क्या बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब कालिया ने उनको डसा तो डसा नहीं बल्कि भगवान को उन्होंने चुंबन किया और द्वेष नहीं था प्रेम था तो चुंबन किया और अपने फनों में लपेटा नहीं आलिंगन किया आलिंगन कर लिया और कृष्ण का चुंबन किया और जब ये देखा तो भगवान बिल्कुल अचेत हो गए और जब सारे ग्वाल कृष्ण बोल के बता अभी आ रहा हूं देखा अरे कृष्ण अचेत हो गए बिल्कुल ऐसे गिरे जैसे खड़ा कोई पेड़ नीचे गिर गया हो के सब मूर्छित हो गए क्योंकि वो कल्पना भी नहीं कर सकते कृष्ण अचेत हो गए और हम लोग इस संसार में रहते हुए हमारे लिए अचिंत्य है ब्रजवासियों के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है उन्होंने कृष्ण को अचेत अवस्था में देखा समझा कि उनका पूरा जीवन ही चला गया वो सहन नहीं कर पाए और तुरंत मूर्छित हो गए और जितने भी पशु थे वहां पे गाय बैल बछड़े इत्यादि वो देखकर जोर जोर से कराने लगे लेकिन वो इतने डर गए स्तंभित हो गए और उनके आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे बड़ी बड़ी आंखों से केवल देख रहे हैं डरे हुए और एकदम स्तब्ध अवस्था अचेत क्यों है कई कारण बताते हैं एक तो नाग पत्नियों को पूरा कन्विंस करने के लिए देखिए आपका जो पति है बहुत बड़ा अपराधी है ना मेरे को देखिए इसने डस्ट लिया और मैं अचेत अवस्था में हूं और बाद में मैं इसको जब सजा दूंगा तो मेरा दोष नहीं होगा दूसरा कालिया से कृष्ण भी अपना अहंकार दिखा रहे हैं डसना जितना डस ले मैं बाद में सबक सिखाऊंगा जो करना है, कर ले और तीसरा व्रजवासियों के हृदय में कितना प्रेम है उनके प्रति ये हम सबको दिखाने के लिए तो कृष्ण अच्छे अवस्था में रहे तो वहाँ पे ये हालत हो गई पूरे पृथ्वी पर आकाश में और वजवासियों के शरीरों में सारे अपशकुन उत्पन्न होने लगे ऐसा लग रहा है पृथ्वी पर भूकंप आने लगा आकाश में ज़ोर जोर से हवाएं चलने लगी पूरा अंधकार छा गया और ऐसे लग रहे जैसे तारे टूट कर गिर रहे हो और वजवासियों के शरीर में जो पुरुष थे उनके बाएं अंग फटकने लगे स्त्रियों के दाएं अंग फटकने लगे तो बुरी हालत हो गई और सारे वजवासी बहुत चिंतित हो गए और क्योंकि आज कृष्ण जो है गाय चराने अकेले गए थे बलराम जी घर में ही थे तो जब बलराम साथ में नहीं गए तो निश्चित रूप से कृष्ण पर संकट आए हैं और ऐसे अपशुकुन हैं बजवासी कृष्ण को अपना बस छोटा सा बालक ही मानते थे कृष्ण के ऐश्वर्य से बिल्कुल अभिज्ञ थे तो निश्चित रूप से कृष्ण की मृत्यु हो गई हो गई ऐसा सबके अंदर विचार आने लगा और जोर जोर से हवाएं चलने ऐसे अपशकुन हो गए सारे के सारे बजवासी बहुत चिंतित हो गए और सबके सब समझे जाना चाहिए कृष्ण की रक्षा करनी चाहिए सबके सब जिस अवस्था में हैं बाहर निकलने लगे छोटे बच्चे जोर जो जोर से रोने लगे घर वालों ने बोला तुम यहीं रहो हम भाग के जा रहे हैं बोले हम भी चले हम नहीं रह सकते बूढ़े व्यक्ति वो चल नहीं सकते लाठी उठाए किसी ढंग से सब बाहर निकल रहे हैं कृष्ण कहाँ चले गए कहा किस में संकट आया जब बाहर निकल रहे हैं अब किस दिशा में जाए कैसे मन चले कृष्ण कहाँ पे है क्या कर रहे हैं लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जब कृष्ण सुबह सुबह गए थे तो अभी तक ब्रज के रज पे कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह थे तो उन चरण 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 कमलों के चिन्ह को वो फॉलो करते हुए क्योंकि व्रज में ये नियम है कि कृष्ण के चरण कमलों को कोई क्रॉस नहीं करता कोई इसको पर काफ़ी समय पहले कृष्ण निकले थे और कई कृष्ण के साथ गाये थे बछड़े थे लेकिन कोई भी व्रजवासी कृष्ण के चरण कमलों पर अपना पाँव नहीं रखता था ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण के चरण कमल व्रज के आभूषण हैं और यही प्रेम के भंडार हैं और इसीलिए इसको सुरक्षित रखा जाता था तो सबके सब उस चरण को देखते देखते पहुँचे जब यमुना के तट पर पहुँचे तो बहुत हैरान हो गए दूर से देखा कालिया के कालिया के फनों में कृष्ण निपटे हुए हैं और अचेत अवस्था में हैं और सारे के सारे ग्वाल बाल मूर्छित अवस्था में हैं और सारे के सारे जो पशु हैं वो रो रहे हैं तो वो खड़े हैं और करहा रहे हैं तो सारे के सारे बहुत विस्मित हो गए भ्रमित हो गए ये कैसे हो गया क्या कृष्ण खुद जबरदस्ती गए कि कालिया बाहर आया पर कृष्ण को पकड़ के ले गया अब किससे पूछे सब कैसे हुआ और सब जोर जोर से रोने लगे जो युवती गोपियां थी वो सोचे थे कृष्ण हमें इतना आकर्षित करते थे अपनी मुस्कुराहट से अपने कटाक्ष से अब कृष्ण चले गए हमारा जीवन चला गया वो विलाप करने लगे और ये शोधा आने जो वृद्ध गोपियां थी वो तो अपने आप को रोक ही नहीं पाई तो सबकी यशोदा में या कह रही है, मैं तो बस यमुना में कूद रही हूँ कृष्ण को बचाने के लिए और बाकी सब गोपियां यशोदा को रोक रही हैं मत जाओ और वो कह रही है कि ये हम अगर कृष्ण को कुछ हो गया तो व्रज में आके करेंगे क्या व्रज के गोकुल बिना कृष्ण के वैसे ही है जैसे दिन सूर्य के बिना या रात्रि चांद के बिना या भी कोई नदी में कोई नील कमल ना रहे तो उस नदी का फायदा क्या सूखी नदी है तो वापस घर जाने का मतलब ही क्या अगर कृष्ण सही नहीं रहे तो लेकिन यशोदा तुम कूदो मत और वो यशोदा को कैसे सांत्वना दे रहे थे कृष्ण की कथा करके कृष्ण का गुणगान करके तो कृष्ण का जब गुणगान किया उन्होंने तो कुछ यशोदा को कुछ जीवन वापस आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि हरी कथा ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है सभी समस्याओं का समाधान हरी कथा है और ब्रजवासी के जीवन में हम देख सकते हैं जब यशोदा मैया बिल्कुल असहाय अवस्था में थी केवल हरी कथा से ही उनको कुछ सहारा प्राप्त हुआ शिला प्रभुपादी कहा करते थे मीटिंग्स, डिसोल्यूशन, बट नो सोल्यूशन केवल चैंटिंग होता हरे कृष्ण महामंत्र केवल हरी कथा तो ये भागवत महाविद्यालय है ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कदम है इस दिशा में कि हम लोग भागवतम के महत्व को समझें और व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें इसकी प्रेरणा देता है कि हम सब साधकों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं इस भौतिक जगत में भक्ति करना चुनौतियों से भरा हुआ है और इन सब चुनौतीपूर्ण स्थिति में जो वास्तव में हमारे आश्रय होगा वो हरि नाम और हरि कथा तो वो विश्वास वो श्रद्धा विकसित होती है भक्तों के संग में जब अच्छे ढंग से हम भागवतम को समझें तो यशोदा मैया को समझाने के लिए सभी गोपियां हरी कथा भगवान की कथा का गुणगान करने लगे और इन सब बजवासियों में जब सब इस तरह से उथल पथल मची हुई थी केवल एक व्यक्ति थे जो पूर्ण आनंद में थे उनको कोई चिंता नहीं थी वो मुस्कुराए थे कौन होंगे वो बलराम जी तो बलराम जी सबसे आखिर पहुंचे आराम से मुस्कुराते हुए बलराम जी को यहाँ पे माधव कहा गया माधव यानी कि बुद्धि के स्वामी वो सब जानते थे कि ये क्या है कृष्ण मैं जानता हूँ और वो मुस्कुरा रहे थे कि मैं अनंत शेष के रूप में रहता हूँ तो कभी तो कृष्ण से आप ऐसा खेल नहीं किया एक साधारण शाम के साथ खेल रहे पता नहीं क्या कृष्ण की लीला है तो वहाँ पहुंचे तो देखा तो वहाँ तो आपातकालीन स्थिति है नंद महाराज भी कूदने को तैयार हैं यशोदा मैया भी कूदने को तैयार हैं तो बलराम जी बोला तो संभालना पड़ेगा तो किसी को तो बलराम जी खुद रोक रहे हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मत जाओ और नंद महाराज को समझा रहे हैं बातचीत कर रहे हैं देखो आप आप भूल गए क्या गर्ग मुनि ने क्या कहा था कि आपको ये सभी संकटों से बचाएंगे तो एक तो छोटा सा संकट है अभी बाहर आ जाएंगे और आप सब कूद गए और मेरा छोटा भाई बाद में वापिस आ गया तो उसका लालन पालन कौन करेगा थोड़ा सब रखो धैर्य रखो तो किसी को जबरदस्ती रोक रहे थे किसी से बातचीत कर रहे थे किसी की तरफ मुस्कुरा के ही देख रहे थे तो सब रजवासी हैरान थे ऐसे संकट में भी मुस्कुरा कैसे रहे बलराम जी और बलराम जी कह रहे हैं मैं जानता हूं हालांकि कृष्ण मेरा छोटा भाई है मैं जानता हूं उसके पास कितनी शक्ति है ये आ जाएगा और कृष्ण को बड़े बड़े देवतागढ़ नहीं समझ पाए तो इसलिए आप भी नहीं समझ पा रहे कोई हैरानी की बात नहीं है लेकिन वो आएगा बाहर चिंता मत करें तो इस प्रकार से बलराम जी सबको सांत्वना दे रहे हैं रोक रहे हैं और वहां पर कृष्ण कालिया के फनों में लिपटे हुए हैं दो घंटे तक ये सीन चलता रहा आप सोचिए दो घंटे तक क्या क्लाइमैक्स होगा क्या ब्रजवासियों की हालत होगी जब ये हालत देखी तो बलराम जी दूर से बोलते हैं कृष्ण को अरे काना बाहर आया बहुत हो गया ये जो ब्रजवासी हैं या अयोध्यावासी नहीं है वैकुंठवासी नहीं है इनका पूरा जीवन आप हो बहुत हो गया अब और सहन नहीं हो सकता इतना और आगे मैं नहीं रोक पाऊंगा अब हो गया बाहर आ जाओ भगवान ने भी देखा ब्रजवासियों की बहुत बुरी हालत हो गई है तो भगवान ने कृष्ण ने अपने आप को विस्तार करना शुरू किया धीरे 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 कालिया ने पकड़ के रखा तो बोले क्या हो रहा है पकड़ ढीली हो रही है क्या है अरे ये, ये बालक ये तो मूर्ख सा बालक है इतनी इसने जरूरत की मेरे इसमें आगे हो क्या रहा है और कृष्ण ने धीरे धीरे अपना विस्तार किया और उनके ग्रिप से बाहर आ गए और कालिया तो बिल्कुल उसके लिए असहनीय हो गया पहली बार ही ऐसा हुआ कि किसी को उसने पकड़ा और ये बाहर आ गया। और उसके बाद भगवान ने जोर जोर से सर्कल्स में घूमना तैरना शुरू कर दिया और कालिया को क्रोध में कालिया का और जहर निकलने लगा पीछे पीछे और कृष्ण क्या करते थे बहुत ही चतुराई के साथ कृष्ण उल्टा आ जाते थे ना तो फिर उल्टा घूमना पड़ता था यानी कि अगर कालिया क्लॉकवाइज चला तो कृष्ण एंटी क्लॉकवाइज आ जाते थे तो उनको फिर मुड़ना पड़ता था ऐसा कर करके कालिया को पूर्ण रूप से थका दिया तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर हमें आदेश दे रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं कि कालिया कृष्ण से सहयोग नहीं कर रहे थे और जिस दिशा में कृष्ण जा रहे थे उससे विपरीत दिशा में जा रहे थे इसलिए पूरी तरह थक गए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ऐसी आज्ञा दी है कि बहुत ही जगत की रचना इस ढंग से करो कि जो जीव मेरी योजना के अनुसार नहीं चलता थका दो उसको पूरी तरह से उसकी हर योजना विफल कर दो हम जितनी मर्जी योजनाएं बना लें अगर वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है वो विफल होंगी ही होंगी और यही हमारे अहंकार को काटता है इसीलिए कालिया को भगवान कह रहे हैं ना ह्यूमिलिटी बाई ह्यूमिलिएशन है ना ऐसा उसका अपमान किया और जिस दिशा में जा रहा उल्टी दिशा में तो बुरी हालत होगी जब पूरी तरह से थक गया तो भगवान ने क्या किया उसका एक कंधा पकड़ा और दबाया और उसके सर पे चढ़ गए अब तो कालिया बोले तो हद हो गई मेरे सर पे चढ़ गए और सर पे चढ़ ही नहीं गए नाचना शुरू कर दिया तो कालिया के तो वैसे एक हजार फन थे लेकिन उसमें 101 एक, एक फन बड़े मुख्य थे तो कृष्ण उसके एक फन पे चढ़ गए और नृत्य करना शुरू कर दिया हुँ? और सब रजवासी जब ये नृत्य करना शुरू किया तो देवता गण भी ऊपर बहुत चिंता में थे कि भगवान कालिया की लपेट में है और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण बाहर आ गए और नाचना शुरू कर रहे हैं तो देवता गण भी बहुत प्रसन्न हुए और सभी ऊपर लोगों के निवासी सिद्ध लोग के गंधर्व चानर सब इकट्ठे हो गए और वो भी उन्होंने अपने अपने मृदंग वाद्य संगीत वाद्य जब बजाना शुरू कर दिया और अब कृष्ण नाच रहे हैं और विष्णु चकू ठाकुर जी कह रहे हैं कि बड़े बढ़िया ढंग से नाच रहे हैं ता थई तक तक थई ता थई कर रहे हैं और साथ में जो संगीत बजाया जा रहा है संगीत बज रहा है लेकिन और सभी जो देवताओं की पत्नियां वो भी नाचना शुरू कर दी लेकिन कृष्ण की तुलना कोई नहीं कर पाए कृष्ण तो नटराज है तो धीरे धीरे उन्होंने अपने स्टाइल से नाचना शुरू कर दिया और कृष्ण नाच रहे हैं कालिया का जहर निकलता ही जा रहा है कालिया अभी भी हार नहीं मान रहा एक फन पे नाच रहे हैं तो दूसरे फन से वो डसने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण कूद के उस फन पे जा रहे हैं और उस पे नाच रहे हैं फिर तीसरे फन पे जा रहे हैं एक एक करके कृष्ण एक एक फन पे आए और देखिए क्या जो डांसिंग फ्लोर है वो भी अपने आप में हिल रहा है लेकिन कृष्ण इतने परफेक्ट नर्तक हैं पूर्ण रूप से नाच रहे हैं और खाला के कृष्ण दिखने में छोटे से बालक लग रहे हैं बड़े कोमल कोमल उनके चरण है लेकिन ऐसा लग रहा लगे से पूरे ब्रह्मांड का भार कालिया के ऊपर पड़ रहा हो इतनी पिटाई हुई कालिया की इतनी पिटाई हुई धीरे धीरे सारा जहर तो निकल गया अब उसका खून निकलना शुरू हो गया है ना खून वून जब निकला तो फिर कालिया को लगा कि क्या है कोई बालक नहीं आए मेरा सबसे नंबर वन शत्रु कौन है कालिया का गरुण गरुण में मैं थोड़ा कठिनाई होती है उसे लड़ाई करने में ये जो है ये तो वो गरुड़ का स्वामी ही होंगे ये साक्षात नारायण है और जब मालूम है इसने किया तो अंदर ही अंदर उसने मन में अब कृष्ण की शरण ले ली और विष्णु चक्र जी लिखते हैं कि हालांकि भक्ति का बीज गपत्तियों ने पहले ही कालिया के हृदय में डाल दिया था उन्होंने बता दिया था कि कृष्ण की शरण लेनी चाहिए लेकिन कालिया के अंदर इतना द्वेष था कि वो जो बीज है उसके द्वेष से भरे हुए हृदय एक बंजर भूमि के समान था वो बीज पनपा ही नहीं तो भक्ति में आने के बाद हम द्वेष रखते हैं तो भक्ति लता बीज आगे पनपेगा नहीं तो बीज था उसको मालूम था कृष्ण के बारे में सुना था लेकिन जितनी उसकी पत्नियां सुनाती थी उसका द्वेष और बढ़ता था लेकिन आज उस कृष्ण से जो कृष्ण उनके पूरे सर पे नाचे तो सारा उसका जहर निकल आया बाहर और जहर निकलने के बाद उसका पूरा खून निकल रहा है तो अब उसको साक्षात्कार हुआ कि ये तो साक्षात नारायण है और मानी ही में उन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली और जब मानी मानो कृष्ण की शरण ग्रहण की तो फिर पत्नियां बाहर आती हैं नागपत्नियाँ बहुत उच्च कोटि की भक्त हैं तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं लगभग बीस बाईस श्लोकों में नागपत्नियों की और बहुत सुंदर हृदय का उद्घार उद्गार है तो नागपत्नियाँ इतनी उन्नत भक्त हैं आकर उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या कर दी हमारे पति की बुरी हालत कर दी हम तो आपकी इतनी भक्ति करते थे और आज ने हमारे पति को ऐसा पीठ दिया आपने कैसे आप भगवान हो हमारी रक्षा ने की परिवार की बोला बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपने तो बहुत अच्छी सजा दी इसको आपने बहुत प्रशंसा की भगवान की आप तो तुल्य दृष्टि वाले हैं आपने अपने शत्रु हिरण कश्यप के पुत्र प्रहलाद की रक्षा की और अपने पुत्र नरकासुर का वध कर दिया आप तो सबके समान तुल्य दृष्टि रखते हैं तो ये आपकी सजा नहीं है ये आपकी कृपा है क्योंकि आपके चरण कमल हमारे पति के सर पे पड़ रहे हैं ये सुंदर अवसर तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होता किसको चरण कमल आपके चरणों की धूल मिल सकती है ये तो संभव कैसे है ये तो पाप योनि में है द्वेष योनि द्वेषी व्यक्ति है इतना ऐसे क्या किया होगा इसको आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त हो रही है तपस्या की होगी क्या तपस्या भी कैसे की होगी बड़े जैसे वैष्णवों की तपस्या बताएगी तरणादप भी सुनी वाले सब जीवों के प्रति दया दिखाई होगी आ, मान की इच्छा किए बिना सबको मान दिया होगा लेकिन ये कैसे संभव है तो सर्प योनि में फिर कैसे आ गया अगर ऐसी तपस्या की तो सर्प यौनी नहीं मिलनी चाहिए तो समझ में नहीं आ रही अचिंते है आपकी कृपा कैसे आपने इनको अपने चरणों की रज दे दी तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थना करते करते लास्ट में अपना सबमिशन करती हैं छोड़ दीजिए बेचारे को और अपने क्या किया अपने छोटे छोटे बच्चे सामने रख दिए दंड और प्रणाम किया इन बच्चों को तो देखिए क्या हालत हो गई छोड़ दीजिए तो जब भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा देखो आपका जो पति ऑलमोस्ट ठीक हो गया सारा जहर निकल गया बस सात आठ बारी और कोदना पक्का हो जाएगा बोले नहीं नहीं अब तो इतनी बुरी हालात है थोड़ा सा कूदा जान चली जाएगी तो जान चली गई तो क्या है शरीर चला गया तो भौतिक शरीर खत्म होना ही है आध्यात्मिक शरीर मिलेगा बोले नहीं, नहीं 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 हम विधवा हो जाएंगे बच्चे अनाथ ना, हो जाएंगे कुछ तो दया करो हम विधवा हो जाएंगे कोई और जहरीला सांप हमें फिर हमारा दुरुपयोग करेगा आप छोड़ दो इसको हमारा परिवार बना रहे बस बहुत आपकी कृपा होगी जब ऐसा हुआ तो भगवान कूद के नीचे आए पूरा ये सीन चल रहा था स्टेज था जैसे ना जैसे कोई आइलैंड हो ब्रजवासी देख रहे हैं और पूरा पूरा सीन दिखाई दे रहा है फिर जब कालिया को धीरे धीरे सांस आया धीरे धीरे उसने रिकवर किया तो फिर बोला क्या करो तो उसने भी प्रार्थना की अब पहले तो कुछ सुना नहीं था कुछ श्रवण जीरो था इसका तो अब जो पत्नियों की प्रार्थनाएं सुनी उसी को उसने कुछ दोहरा दिया तो बहुत सुंदर एक श्लोक है 55 नंबर हम श्लोक पढ़ेंगे कालिया 56 नंबर सॉरी 56 हाँ 56 यस यस या कालिया उवाच वयम खलास होत्पत्या तमसा दीर्घ मन्यवा स्वभाव दुष्य नाथ लोका नाम यद सदग्रह कालिया नाग ने कहा सर्व के रूप में जन्म से ही हम ईर्षालु अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं हे नाथ मनुष्यों के लिए अपना बद स्वभाव जिसमें वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं छोड़ पाना अत्यंत कठिन है बहुत अच्छी प्रार्थना है बोले हम तो ईर्षालू हैं अज्ञानी हैं हमेशा गुस्से में रहते हैं हे नाथ मनुष्यों के लिए अपना बद स्वभाव जो हमारी कंडीशन नेचर है जिसमें हम असत्य को असत्य से अपनी पहचान करते हैं इस शरीर और शरीर से जुड़ी वस्तुओं से अपनी पहचान करते हैं छोड़ पाना अत्यंत कठिन है अपनी नेचर को बदलना अपने आप में लगभग असंभव है भगवान उद्धव को बताते हैं में। जो अपने नेचर को के विरोध में जाके प्रयास करते हैं वो असली हीरो है असली वीर है तो बोले ये तो छोड़ पाना असंभव मैं तो सर्प योनि में हूँ मेरा ही द्वेष करना है क्रोध से भरा हुआ तो इससे छोड़ पाना बहुत असंभव है लेकिन आपकी कृपा से ये संभव है वास्तव में केवल भगवान की कृपा से ही कोई जीव अपने इस बद अवस्था से ऊपर उठ सकता है इसलिए भगवान का नाम भगवान के गुण भगवान के चरित्र का गान करना ही एक बद जीव के लिए औषधि है है ना और जैसे हम देखते हैं जैसे हम हरि नाम के संपर्क में आते हैं हमारा स्वभाव बदल सकता है केवल हरि नाम ही हमारे स्वभाव को बदल सकता है और यहाँ पे शीला प्रभुपात कृष्णा पुस्तक में लिखते हैं कालिया तो इतना सौभाग्यशाली था कि कृष्ण के चरणों की धूल प्राप्त हुई तो हमें सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकता है कृष्ण के शुद्ध प्रतिनिधि गुरुजनों के चरणों की धूल हम प्राप्त कर सकते हैं उनके आदेशों को अपने हृदय में उतार के शिला प्रभुपात जब विदेश में गए तो हिपिस गणों के दो गोल्डन रूल्स थे कि पहला गोल्डन रूल ये था कि तीस साल से ऊपर के सभी व्यक्ति पागल हैं क्रेजी हैं और दूसरा गोल्डन रूल ये था किसी से कोई आदेश स्वीकार नहीं करना तो ऐसे में कौन उनको सुधार सकता था और शीला प्रभुपाद जी गए सत्तर वर्ष के और खूब आदेश दिए वो भी संस्कृत में तो पूरा दिमाग घूम गया उनका और बिल्कुल जो लेजी बम्स कहते थे, थे यूजलेस किसी काम के नहीं है उन्होंने क्या क्या नहीं करके दिखा दिया पूरे विश्व में हृदय में सबके क्रांति ले आए तो कैसे एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से उनकी आज्ञा का पालन करने से हम अपने स्वभाव से ऊपर उठ सकते हैं हनुमान जी और वानर सेना ने पत्थर पत्थर के ऊपर राम नाम लिखा तो पत्थर का स्वभाव बदल गया वो तैरने लग गया झारखंड के जंगल में चेतन महाप्रभु ने हरि नाम लिया और शेर और हिरण ने आपस में आलिंगन चुंबन किया सारे द्वेश की भावना चली गई तो हरि नाम ही हमारा और हरि कथा ही हमारा एकमात्र आश्रय है इसका पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करके शुद्ध भक्तों के आदेशों के अनुसार करेंगे तो हम भी अपने स्वभाव से ऊपर उठ सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं तो इस प्रकार से काल्या का भगवान ने उद्धार किया और काल्या को बोला कि तुम व्रज में रहने योग्य नहीं हो हृदय में द्वेष है तो व्रज में नहीं रह सकते तो बोले अब कहाँ जाए बोले जाओ वापस जहाँ से आए थे रामायण द्वीप से आए थे बोले वहाँ तो गरुड़ ही है गरुड़ जी ने तो भगाया था मुझे कोई बात मत करो तुम्हारे शीर्ष पे मेरे चरण चिन्ह हैं स्टैंप लगा दी है आप बिल्कुल अब गरुड़ प्रूफ हो गए आप अब कोई दिक्कत नहीं कोई आप कुछ नहीं करेंगे इसी ढंग से हम भी जो चरण चिन्ह लगाते हैं भगवान के तिलक के तो यमराज जी ने यमदूतों का आदेश दिया कि किसके माथे पे ये तिलक लगा हो खबरदार जो उसके पास गए पूरा विश्व यमदूतों से डरता है यमदूत वैष्णवों से डरते हैं तो इसलिए ये बहुत सुंदर प्रसंग है और इसमें हम जिसका इसका श्रवण की तरह मनन करेंगे तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हम हमारे हृदय से द्वेष की भावना और क्रूरता जाए आज हम देखते हैं किस प्रकार से कालिया का दमन किया कृष्ण ने अगर कोई सात सा, साक्षात कृष्ण को सरेंडर नहीं करता है तो भौतिक परिस्थितियां उनसे शरणागत करवाते हैं ना बहुत मक्ति कहते हैं हीटिंग एंड हैमरिंग तीन तापों से जीव को हीट किया जाता है गर्म किया जाता है और जन्म जरा व्याधि से उसकी हैमरिंग की जाती है तब जाके वो विनम्र बनता है और भगवान की शरण लेता है तो आज के इस टाइम में हम देखते हैं कोरोना वायरस में पूरा सबका अहंकार चूर चूर कर दिया आधुनिक सभ्यता कितनी खोखली है पर्दाफाश हो गया गया एक एकदम और सब आपको हैरानी होगी इस कोरोना वायरस में हमारा बुक बढ़ भद्र पूर्णिमा में पिछले साल सात हजार सात सौ भागवतम सेट हुई पूरे विश्व स्तर पे इस साल चौबीस हजार पांच सौ से भी ऊपर हुई तीन गुना और पिछले दो महीने से हमारे दिल्ली में बग जा रहे हैं सड़कों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए खुले आम कोई डर नहीं कोई मास्क नहीं कुछ मास्क लगा रहे मतलब कि ऐसा नहीं कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना पुलिस को कोई कोई ऑब्जेक्शन है कोई लोगों को बड़े आसानी से लोग भगवत गीता दे रहे हैं तो इसका मतलब जब पिटाई होती है जीव की तब वो भगवान के शरण में आता है लेकिन आए तो इसी भगवान के शरण में और हम लोग जो साधक लग हैं हम भी देखें कि भक्ति का बीज हमें प्राप्त हो गया है लेकिन कंपटीशन की भावना स्पर्धा की भावना द्वेष की भावना से वो बीज पनपता नहीं है तो इसको छुटकारा पाने के लिए आज कालिया दमन की लीला पे हम मनन कर सकते हैं और बोले जो कालिया ऋतु में स्नान करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और भक्ति रत्नाकर में तो एक और लालच दिया गया कि जो कालिया ऋतु में स्नान करेगा वो सारे पापों से ही मुक्त होगा और उसका बिजनेस खूब चलने लग जाएगा <laughs> तो कोरोना में जिसका बिजनेस डाउन हुआ है ये भी एक तरीका जा सकते हैं तो ये इस द्वेष और क्रूरता द्वेष से क्रूरता आती है हृदय कठोर होता है और क्रूरता का अर्थ है भक्ति भक्ति सेनाथ महाराज कहते हैं कि प्रचार ना करना सबसे बड़ी क्रूरता है तो आज के इस टाइम में जो पूरा विश्व इमरजेंसी में है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए और अपने जीवन में भी भागवतम के संदेश को उतारने का प्रयास करना चाहिए सबका तो बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण किसी एक टिप्पणी या प्रश्न संकर्षण संकू हरे कृष्णा थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास तो एक चीज मैंने सुना मालूम नहीं किधर है कौन आचार्य बताया तो कालिया के ऊपर जब कृष्ण चढ़ गए और सब गंधर्व लोग से सब म्यूजिक म्यूजिकल पार्टी भी रेडी है ऑडियंस भी रेडी है सब देखने के लिए लेकिन कृष्ण नहीं नाच रहा था क्योंकि भगवान सब लीला में राधा रानी की प्राधान्य ज्यादा देती है तो उन्होंने सोचने लगा मैं ही तो हीरो हूँ लेकिन हीरोइन हीरो नहीं है तो नाचने में क्या मजा आएगा अच्छा तो जब राधा रानी आके पहुंची उसके बाद कृष्णा नाचना चालू किया हरे कृष्ण मैंने पढ़ा था में कि जब वो ये चल रहा था तो सब अभी ब्रजवासी मूर्छित थे भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सब गोपियों को लेकर आए और सब गोपियों के साथ कालिया के फन पे नृत्य किया <laughs> ये भी वर्णन करते हैं स्नातक थैंक यू जी बलराम जी और काले में बहुत संबंध था दोनों भाई थे वास्तव में कद्रु के ही पुत्र थे काली और कद्रु के ही पुत्र थे अनंत शेष तो जब भगवान ने मन बना लिया था कि मुझे आज दमन करना है तो बलराम जी बोले भाई तो अकेला जा नहीं तो पारिवारिक झगड़ा हो जाएगा ये, ये, ये। तो ए, एक और घटना थी कि रमनक द्वीप कालिया को कैसे प्राप्त हुआ तो दोनों तो गरुड़ जी के परिवार में और कालिया के परिवार में हमेशा झगड़ा होता था और वास्तव में गरुड़ की जो माँ थी वो कालिया की माँ की दासी दासी बन गई थी दोनों इतनी भी बहन थी लेकिन दासी बन गई थी लेकिन उस दासतों से किस तरह से गुरुजी ने छुड़ा दिया लेकिन उसी प्रसंग में गुरु जी ने अपने कंधे पर बिठाकर सारे काले नागों को राम दिख पहुँचाए थे अच्छा ये अन्यत्र आती है कुछ टीकाओं में और कुछ पुराणों में कथा आती है और जीव जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि एक प्रश्न पूछते हैं कि कैसे काले को पता चल गया कि एक ऐसा स्थान है संसार में जहां पर गरुड़ जा नहीं सकता hmm. तो वो बोलते हैं बात बत, है कि वो उसके गुरु ने बताया तो उनके गुरु कौन है तो नारद जी है।, अच्छा। तो तो है तो नारद जी तो घूमते रहते हैं तो जब गरुड़ और झगड़ा चल रहा था तो उस समय नारद जी वहां पहुंचे और कालिया ने अपनी समस्या उनको बताई और नारद जी ने बताया कि जा वृंदावन <laughs> <laughs> तो कालिया के कालिया प्रस कालिया दमन लीला के प्रसंग में भी नारद जी का ही हाथ है और अंत में जब वास्तव में हम देखते हैं कि जीवों पर जो कृपा होती है तो उसको ब्रज का धाम मिलता है ब्रज की लिलाई मिलती है लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि भगवान ने स्टैम्प लगाकर भगा दिया तो कुछ आचार्य ये ये कहते हैं कि वास्तव में भगवान ने उसको प्रीचिंग करने भेज दिया तो बोला जा कि तेरा स्वभाव ऐसा है कि तेरा तेरा जीवन ऐसा है कि तू तो यहाँ पर तो नहीं रह सकता कि मेरे ब्रजवासी डिस्टर्ब हो जाएंगे तो तू प्रीचिंग कर तो कालिया आज भी भगवान के गुण रूप लीला आदि को रमनक द्वीप में समस्त नागों के बीच में गाते रहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण और फिजी आइलैंड में कालिया कृष्ण का मंदिर भी बन गया है हमारा इस खान की तरह से हरे कृष्ण बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद एक प्रसंग याद आता है जब भगवान कालिया को दमन करके बाहर निकले तो सबसे मिल तो रहे थे सब लोगों को लगा कि जान में जान आ गया और लेकिन जब बलराम जी जब मिले तो बहुत प्रेम से आलिंगन करके चूमने लगे हरेक अंग को कृष्ण के हर एक अंग को मानो वही हरी सूर्य जी टीका में कहते हैं कि कालिया ने कहीं तो नहीं दिया तुमको मैं अनंत शेष हूँ हाँ। जहर जहर से ही निकलता है हाँ। <laughs> तो इसलिए चूम रहे थे हरेक अंग को कृष्ण के तो हमारे आचार्य गण कई उत्प्रेक्षाएं देते हैं इसको मनन और चिंतन कर सकते कृष्ण ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया अर्थात बहुत अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं इसके कहने के ऊपर ये पूरा ही एपिसोड शिला जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में तो बहुत विस्तृत वर्णन किया है तो ये जिस दिन लीला हुई उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था तो जब बैठे ही थे फीस्ट खाने के लिए जन्मदिन की कृष्णा और ये सब तो चले गए थे वहाँ पे और बाकी भक्त जो बलराम जी के व्रजवासी बलराम जी के जन्मदिन की प्रीति भोज को बैठे ही थे तब अब शकुन आने लगे तो सबने फीस छोड़ के सब दौड़ गए उधर ये वहाँ पे जाने के लिए और फिर यहाँ वहाँ पे सारी लीला हुई आपने सुंदर ढंग से बताई तो फिर उस रात को वहीं पर रुक गए और दूसरे दिन जब वापिस आए तो सारे आइटम्स वहाँ के वैसे के वैसे थे जो ठंडा है वो ठंडा है ठंडा ही था जो गरम होना चाहिए वो गरम था सारे आइटम एक भी बंदर ने स्पर्श नहीं किया था किसी भी कोई आइटम को तो ऋषिला शिलाजीर गोस्वामी बताते हैं कि आने के बाद सब ने आनंद से प्रतिभोज का आस्वादन किया <laughs> इस प्रकार से काफी अरिक्ष थैंक यू या दस क्योंकि तो जी भावतम हम सेवेंथ कैंट में जो पढ़ते हैं सातवें स्कंद में प्रलाद मानस बताते हैं एक साधु भी जब होता है एक सांप या स्कॉर्पियन जब शरीर छोड़ता है बहुत प्रसन्न होता है तो यहाँ पर भगवान शायद उस बात को कन्फर्म करने के लिए शायद उसको मार देते वो ज़्यादा था तो ऐसा क्यों कहा जाता है प्रॉपर जी भी कहते हैं जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था लीला लीलावित्त में आता है तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था लेकिन जब उन्होंने भक्ति सांझुर को देखा कि जब एक बार गोड़िया मठ में सांप आया था उनको मार दिया तो वहाँ पे कंफर्म हो तो ऐसा क्यों कहा गया उसमें मतलब कि भगवान ने मारा क्यों नहीं आपके कह रहे हैं मार दे तो कंफर्म हो जाता साधु भी बड़े खुश होते हैं भक्त भी बड़े खुश होते हैं साहब मर जाता है पत्नियाँ थी ना भक्त थी और उनकी प्रार्थना थी इसलिए भगवान अपने भक्तों की और भक्तों के पूरे परिवार की रक्षा करते हैं इसलिए पत्नियों के आग्रह पे नहीं मारा ठीक तो आप सब कब एंड Yeah. हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्रीमान कृष्ण कृष्णभू को कई सारे बहुत मूल्य वैल्यूएबल पॉइंट्स बताए एक तो जो द्वेष और क्रोध का ईर्षा व ये सब सुंदर बताए और एक अच्छा पॉइंट बताए जो हम सब के लिए एक सीखने लायक है आपने शायद याद रखा होगा जब प्रवचन में ही स्पीकिंग अबाउट जो प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक मनुष्य में एक स्वभाव होता है राइट right? बहुत समय तक वो फोकस कर रहे थे उस पॉइंट को इस स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं है प्रभु जी ने वर्ड यूज किया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल स्वभाव इतना ये रहता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है लेकिन कालिया का भी स्वभाव ऐसा था वो श्लोक भी उच्चारण किए और भक्ति के प्रभाव से हरिनाम और हरी कथा के प्रभाव से हिप्पी भी हैप्पी हो गए ये देखा गया है बहुत अच्छा लगा तो हम आग्रह करते हैं प्रभु जी को जब भी आपको ब्रज यात्रा ब्रज दर्शन ब्रज मंडल में आए तो गोवर्धन जरूर आइए और हम सब आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं हमें अपना गयो गयो संग दीजिए अच्छा लगा प्रभु जी धन्यवाद बोलेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा अच्छा कृष्णा अच्छा हरे अच्छा हरे अच्छा हरे अच्छा राम अच्छा हरे राम 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 हरे हरे जय श्रीमान रुक्मणी कृष्ण प्रभु की शिल प्रभुपाद की